नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने चैनल देखे सीखे पर। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे चैनल का नाम ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पे लिख के आ रहा है देखे सीखे। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो में जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल पे अपना या किसी और का नाम किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं आप सभी को इस वीडियो में बता देता हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल पे अपना नाम या किसी और का नाम किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं देखे सीखे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके कर दीजिए लाइक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन को रेड को सब्सक्राइब करके ब्लैक कर दीजिए और यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की हुई लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको चले जाना है सिंपल सा अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद से दोस्तों, हर मोबाइल की अलग अलग तरह की सेटिंग होती है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ Redmi Note 5 Pro, तो उसमें मैं दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ, आपको सिंपल से चले जाना है अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन और स्टेटस बार में। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, शो कैरियर नेम और यहाँ पे एडिट कैरियर नेम। तो आपको एडिट कैरियर नेम पे जाके दोस्तों आपको यहाँ से अपने नाम को सिलेक्ट कर लेना है, एडिट कर लेना है, जो भी नाम को आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी एक नाम अपना सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी नाम रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ विजय, विजय करके आपको सिर्फ बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऊपर, शो कैरियर नेम। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ओनली शो इन लॉक स्क्रीन यानी कि आपको सिर्फ लॉक स्क्रीन पे ये नाम दिखाना है, जो भी आप नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ओनली शो इन लॉक स्क्रीन पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको वहां पे नहीं तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओनली शो ऑन स्टेटस बार। तो मैं यहाँ पे ओनली शो ऑन स्टेटस बार पे ही रहने देता हूँ और मैं चला जाऊंगा बैक। तो दोस्तों, बैक जाने के बाद से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मेरे मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल पे विजय लिख के आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को करें लाइक। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।